It is about the session and nothing else more than that is important here. Still, thank you very much and welcome back everyone for this session. सबसे पहले जो हम पिछले सेशन में बात कर रहे थे, मैं वो 10 जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स थे इन द ग्रुप इन द ब्रेकआउट रूम, मुझे रियाज सर ने याद दिलाया कि वो रिपोर्ट्स टैब में होता है. मुझे उस वक्त टाइम जा रहा था तो मेरा माइंड काम करना बंद कर चुका था कि वो कहाँ मिलेगी रिपोर्ट क्विजेज में. तो जो भी हमारा क्विज हम कंडक्ट करते हैं क्विजेज पे, उसकी रिपोर्ट बाद में भी अवेलेबल रहती है अंडर द रिपोर्ट्स टैब. थैंक यू रियाज सर फ्रॉम JNK. मुझे भी थोड़ी देर बाद याद आ गया था, पर जैसे ही लगा था 2 मिनट रहते हैं ये क्लोज हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा कि जल्दी जल्दी सब बता दो, उस चक्कर में ऊपर नीचे हो जाती है वो चीजें. अब हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज की, वो है इवैल्यूएशन ऑफ ई कंटेंट. तो अभी तक आप लोगों के इस 4 दिन के सफर में अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप लोगों ने स्टार्ट किया था टाइप ऑफ रिसोर्सेस कितने हैं, कैसे बनाते हैं, क्या पैटर्न स्क्रिप्ट भी लिखते हैं, हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं. उसके अलावा आपने बात की कि अगर हमें बाहर से कोई रिसोर्सेस चाहिए तो हम ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस की बात करते हैं कि हम उनको लें या जिनकी परमिशन हो, या एटलीस्ट एट द मिनिमम हम हमेशा उसको साइट करें, मतलब उसका लिंक, उसको रेफरेंस दें अच्छे से, जिससे कि हमें इस तरह की प्रॉब्लम, लीगल प्रॉब्लम भी ना हो और हमारे साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम ना हो कि हम OER में ही अपने कंटेंट को रिलीज करें. फिर आप लोगों ने बात की डिफरेंट टूल्स की, उन टूल्स के यूज की, उसका थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, उसका फिर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, जिसमें आपने बहुत सारे टाइप ऑफ रिसोर्सेस और टूल्स की बात की, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक इंफोग्राफिक टिल वी वेंट टू एनिमेशन वीडियोस. वी ऑल्सो डिड इंटरक्टिव्स, वी कैन मेक आर वीडियोज ऑल्सो इंटरक्टिव, सो इट इज ऑल अ मिक्स्ड गेम. इट इज ऑल अ मिक्स्ड गेम एंड वी कैन ऑल परस्यू इट, वी कैन ऑल डू इट टूगेदर. बट जो एक इम्पॉर्टेंट, जब हम एजुकेशनल कंटेंट की बात करते हैं, जब हम स्टेट लेवल या नेशनल लेवल की बात करते हैं, तो हमारे ऊपर सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कंटेंट डेवलप करने की नहीं आती है या उसे यूज करने की नहीं होती है, हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि वो कंटेंट सही हो. सही किन मायनों में हो, कैसे वो सही हो, उसके भी बहुत सारे लेवल्स हैं कि हमें किस लेंस से देखना है कि वो ठीक है. वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दोज लेंसेज ऑल टुगेदर फॉर रिव्यूइंग एनी काइंड ऑफ डिजिटल कंटेंट. तो अभी हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे कि हमें क्या इवेल्युएट करना है डिजिटल कंटेंट. अगर मैं बोलूं तो किसको कहते हैं, उसको कैसे इवेल्युएट करना है, और साथ ही उसे क्यों इवैल्यूएट करना है. ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारा डिजिटल कंटेंट का है कि हमें क्यों करना है, वो भी हमें यहाँ पे समझना है. सो आई एम शेयरिंग माई प्रेजेंटेशन, आई होप इट इज विजिबल. सो जैसा मैंने बोला, ई कंटेंट इवैल्यूएशन, हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ई कंटेंट है क्या, वो किस किस तरह का है, या हम किस चीज को एजुकेशनल कंटेंट कहते हैं, ई कंटेंट कहते हैं, डिजिटल कंटेंट कहते हैं, वो सब क्या है. तो स्टार्टिंग फ्रॉम, जैसा मैंने बोला, आप लोगों ने स्टार्ट किया इन्फोग्राफिक से, माइंड मैप से, विजुअल रिसोर्सेज जिसे हम कहते हैं, या टेक्सचुअल रिसोर्सेज, सभी हमारे ई कंटेंट का पार्ट है. चाहे वो एक ई बुक हो PDF के फॉर्मेट में, ई बुक हो EPUB के फॉर्मेट में, या फिर ई बुक हो फ्लिप बुक के फॉर्मेट में, वो सभी ई कंटेंट का पार्ट है. उसके अलावा ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, गेम्स, जो डिजिटल गेम्स की हम बात करते हैं, AR, VR, सारे जो हमारे कंटेंट जिसके बेस पे हमारे निकल के आते हैं जो डिजिटल कंटेंट, उनको हम इवेल्युएट कर सकते हैं और उन्हें हमें इवेल्युएट करना चाहिए, सो दैट हम उससे चेक कर सके कि जिस एम के साथ, जिस पर्पस के साथ उसको बनाया गया था, क्या वो इवैल्यूएशन, क्या वो पर्पस अचीव वो कर रहा है. तो ये हमारे को इसके अंदर चेक करना है. अब
जो वाई की हम बात कर रहे हैं कि क्या करना है, क्यों करना है, तो वो उसके अंदर सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं है, उसके अंदर और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं जिनको अब हम डिस्कस करेंगे कि हमें ई कंटेंट को इवेल्युएट करने की जरूरत क्यों है। सबसे पहला है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को हम ऐसे समझते हैं कि एक कंटेंट जो चीज पढ़ाने के लिए बना है वो वही पढ़ा रहा है कि नहीं, और अगर उसे हम बार बार यूज करें तो भी वो वही पढ़ाएगा या नहीं, ये है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। वैलिडिटी में वैरायटी हो सकती है, बहुत सारी चीजें आती हैं, बट हम जनरली बात कर रहे हैं यहाँ पे कंटेंट की, कि जो कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं, जो हमें कंटेंट पढ़ाना है, जिसके लिए हमने एक ई कंटेंट डेवलप किया है, क्या उस ई कंटेंट में उस टॉपिक की बात हो भी रही है या सिर्फ टच अपॉन करके हम कोई और ही बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी सब्जेक्ट स्पेसिफिक टूल्स का सेशन किया सभी ने, तो आपने, किसी ने ज्वाइन किया फिजिक्स का, किसी ने केमिस्ट्री, किसी ने बायो, किसी ने सोशल साइंस, किसी ने मैथ्स, किसी ने लैंग्वेजेस। अब ऐसा नहीं है कि कोई एक टूल स्पेसिफिक है एक सब्जेक्ट के, पर हमने उन सेशंस में बेसिकली ये देखा कि उस टूल को हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, क्या है उसमें वो हिस्टोरिकल चीज या साइंस वाला एलिमेंट, कि वो उस साइंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है या टूल है। तो ये है हमारी कंटेंट की वैलिडिटी। अगर आप बायो में गए और आपको वहां पे एक कॉमन सा सेशन है तो आप उसे बायो का नहीं मानेंगे, देन इट इज नॉट वैलिड। सो ये चीज हमें वहां पे देखनी है कि हम जो टॉपिक को लेके ई कंटेंट डेवलप किया है वो टॉपिक उसके अंदर पूरी तरह कवर है या नहीं है। दिस इज वैलिडिटी। रिलायबिलिटी है कि कितना रिलायबली वो कवर कर रहा है टॉपिक को, मतलब वो कितना एक्यूरेट है, कितना करेक्ट है, और बार बार अगर हम उसे यूज करते हैं तो सेम ही चीज निकल के आ रही है कि वो पढ़ा रहा है उस टॉपिक को। ये है हमारी रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। सेकेंड पॉइंट है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द कंटेंट। अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द कंटेंट किस रिगार्ड में? सबसे पहले नेचर ऑफ द कंटेंट। नेचर क्या होगा कंटेंट? कंटेंट का तो नेचर एक ही है, जो क्लास में है वो हमें पढ़ाना है, पर हम ये जरूर देख ले कि ये देखे कि वो कंटेंट जो है हम जिस क्लास को पढ़ाने वाले हैं उससे वो मैच करता है कि नहीं, वो उन लर्नर्स को, कॉन्टेक्स्ट को लर्नर के सेटिस्फाई करता है कि नहीं। विच मीन्स कि मान लीजिए लर्नर है रूरल, हमने एग्जाम्पल दिए अर्बन, देन इट इज नॉट अप्रोप्रिएट। या फिर हमारा बच्चा है सिक्स्थ में, हमने भी सिक्स्थ वाला ही कंटेंट बनाया, लेकिन हमने ये नहीं चेक किया कि क्या बच्चा सिक्स्थ में आने के बाद भी उसे फिफ्थ का कंटेंट आता है कि नहीं, प्री नॉलेज उसकी ओके है या नहीं। सो हमें ये सब चीजें पहले चेक करनी है, हमारे बच्चे का लेवल क्या है, उसकी बैकग्राउंड नॉलेज क्या है, उसके एक्सपीरियंसेस क्या है, उसका रीजनल कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसके बेस पे ही हम अपना कंटेंट डेवलप करेंगे। और डेवलप्ड कंटेंट में भी हम यही देखेंगे कि क्या वो केटर कर रहा है इन सब चीजों को, इन द सेंस कि मान लीजिए आपने बड़ा अच्छा कंटेंट बनाया, आपने उसको हिंदी में बना दिया या इंग्लिश में बना दिया, बच्चे को उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, वो रीजनल लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, तो वहां पे हमें ये प्रॉब्लम आएगी कि हम कंटेंट बच्चे तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे। सो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। मेथड ऑफ टीचिंग में आएगा कि उस ई कंटेंट में अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ टीचिंग यूज किया गया है, मतलब कि हम बहुत सारे मेथड्स की बात करते हैं, हम डिस्कशन की बात करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन की बात करते हैं, लेक्चर मेथड की बात करते हैं, तो मान लीजिए बहुत छोटी क्लास का बच्चा और आप लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे, तो वहां वो बात उस तक नहीं पहुंचेगी। अब बहुत हायर लेवल का बच्चा है, आप उसके साथ गेम्स करवा रहे हैं या रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लेके आ रहे हैं छोटी छोटी चीजों के, तो वहां भी वो उसे फनी लगेंगे, या कोई ऐसा वीडियो रिसोर्स दिखा रहे हैं जो छोटे बच्चों को लेके बना हुआ है, तो हमें ये देखना है कि वो लेवल अप्रोप्रिएट है या नहीं, मेथड अप्रोप्रिएट है या नहीं। नेक्स्ट है अवेलेबल टेक्नोलॉजी, मतलब आपने एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स बना लिया, आपने ये वीआर या एआर बेस्ड एक अच्छा रिसोर्स बनाया, आप क्लास में लेके गए पर आपके पास वीआर हेडसेट ही नहीं है, आप उस रिसोर्स को नहीं दिखा सकते, तो वहां पे आपका यूज जो है वो नहीं हो पाएगा, उसका अल्टीमेट जैसा उसका आउटकम होना चाहिए वो नहीं निकलेगा। तो हमें ये देखना है कि हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, बच्चा क्या है,
कैसे सीखता है, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हमारा कंटेंट बना हुआ है कि नहीं, ये इवेल्युएशन हम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट इफेक्टिव। मान लीजिए कोई सिंपल टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, उसके लिए आपने एक सिंपल रिसोर्स वीडियो बनाया तो ठीक है, पर आपने मान लीजिए एक बहुत ही सिंपल टॉपिक के लिए कोई बहुत ही सिमुलेशन, हैवी सिमुलेशन या एक हैवी एक्सपेरिमेंट बना दिया, जिसके बिना भी उसको पढ़ा पाना इजीली पॉसिबल था, तो उस केस में आप क्या करेंगे? वहां पे क्या हुआ कि आपकी वैल्यू फॉर मनी नहीं है, आपने इतना पैसा लगाया पर आप कंटेंट जो पढ़ा रहे हो आप रेगुलर भी पढ़ा सकते हैं। जस्ट गिव मी सो हम बात कर रहे थे कि हम बात कर रहे थे कॉस्ट इफेक्टिवनेस की, कि उस कंटेंट के लिए उतने टेक्निकल कंटेंट की, उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए उतने टेक्निकल कंटेंट की जरूरत है या नहीं, हमें ये भी देखना चाहिए बिफोर क्रिएटिंग अ डिजिटल कंटेंट। तो वही इवैल्यूएशन में भी आपको देखना है। नेक्स्ट है लाइसेंसिंग, कि जो डिजिटल कंटेंट क्रिएट हुआ है उसकी लाइसेंसिंग क्या है। मींस लाइसेंसिंग का मतलब यहाँ पे है कि आपने या जिसने भी वो डिजिटल कंटेंट बनाया वो कॉपीराइटेड ना हो, तो आप जब भी अपना डिजिटल कंटेंट बनाए, कहीं अपलोड करें, तो आप उसको लाइसेंस दे। लाइसेंस आपने ओईआर के सेशन में सीखा होगा किस तरह से आप लाइसेंस दे सकते हैं। क्रिएटिव कॉमन्स के लाइसेंसेज हैं जो हमें कंटेंट को ओपनली रिलीज करने के लिए ऑप्शन देते हैं, तो वो लाइसेंस आप अपने कंटेंट के साथ अप्लाई करें, देन इट विल बी एबल टू रीच टू मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। अब हमने ये बात कर ली कि क्या करना है, क्या जरूरत है हमें इवैल्यूएट करने की, नीड को हमने समझा, अब हमें देखना है कि कैसे करना है। वो भी हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कोई भी डिजिटल कंटेंट को इवैल्यूएट हमें कैसे करना है, तरीका क्या है। आपने ये तो बोल दिया बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें कोई टूल दीजिए, तो उस टूल के लिए हम बात करेंगे कुछ पैरामीटर्स की। सबसे पहले ये पैरामीटर्स जो हैं, अगेन हमने जो अभी नीड इस्टेब्लिश की वही नीड हमारे पैरामीटर्स बन जाते हैं। अगर आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो पाएंगे कि वही नीड है हमारी जो टारगेट बन जाती है, प्रोसेस बन जाती है। तो पहला है कि जब भी डिजिटल कंटेंट हम इवेल्युएट करें, हम ये देखें, इवैल्यूएट करें या बनाएं, हम ये देखें कि हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है, उसका एज ग्रुप क्या है, प्रीवियस नॉलेज उसकी एक्सपेक्टेड क्या है, उसका सोशल कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, लैंग्वेजेस क्या वो बोलता है, डेमोग्राफी कैसी, कहाँ रहता है, उसका लर्निंग स्टाइल क्या है। इन सबको देख करके ही हम अपना डिजिटल कॉन्टेंट बनाएं। मतलब कि एक बच्चा है जो क्लास 8 में पढ़ता है, तो हम ये मान के चलेंगे इवेलुएट करते हुए कि उसको 7 तक का सब कंटेंट आता है, और अगर हम कंटेंट बना रहे हैं तो उससे पहले हम प्री नॉलेज टेस्टिंग भी कर सकते हैं कि क्या लेवल है, तो हम उस तरह से उस कंटेंट में थोड़ा सा कंटेंट को एक्सपैंड भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमें बेसिकली स्टूडेंट फोकस करना है कि बच्चा क्या है, बच्चे की जरूरत क्या है, क्या उसके अप्रोप्रिएट कंटेंट ये बना हुआ है या हम बना रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंटेंट इटसेल्फ। हमारे कंटेंट की जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर कंटेंट फैक्चुअली ही गलत है तो उस कंटेंट का कोई भी यूज नहीं रहेगा। तो हमें हमेशा ये चेक करना है, जैसे सोशल साइंसेस की अगर हम बात करें, पॉलिटिकल साइंस की बात करें, तो हमारे जो स्टेट्स का अभी चेंज हुआ कि कौन से स्टेट स्टेट है, कौन यूटी बन गया, या कितने स्टेट्स हैं, कितनी यूटीज हैं, कब चेंज हुई, तो हम जब मैप दिखा रहे हैं तो हम उन लेटेस्ट मैप ही दिखाएं, अपने मैप को अपडेट करें। अगर हमने पहले कोई कंटेंट बनाया था उसके अंदर मान लीजिए जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था, अब वो लद्दाख अलग है, JNK अलग है, तो उसको हम अपडेट करते रहें पैरेलली। जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हुए थे, तो हमें क्लियरली उसको मैनेज करना होगा, हमें अपने कंटेंट में अपडेशन करनी होगी, एक्यूरेट उसे बनाना होगा, रेलेवेंस उसकी देखनी है, कंटेंट कवरेज देखनी है कि जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं
उस क्लास में कितना कंटेंट करिकुलम हमें गाइड करता है कि पढ़ाना है, वो कवरेज पूरी है कि नहीं है, ये सारे एस्पेक्ट्स को हम कंटेंट के अंदर डील करेंगे। थर्ड थिंग इज पेडागॉजिकल कंसिडरेशन। यहाँ पे आती है हमारे टीचर की बातें कि कभी भी हमारे डिजिटल कंटेंट में जो कंटेंट है, टेक्नोलॉजी इज सेकेंडरी, टेक्नोलॉजी इज अ मीडियम फॉर अस, पेडागॉजी एंड कंटेंट इज द फर्स्ट थिंग विच नीड्स प्रायोरिटी। हम सभी टीचर्स हैं, हम क्यों टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं? क्योंकि बाहर जो कोई कंटेंट बनाता है वो टीचर है या फिर टेक्नोलॉजी है, दोनों का मिक्स नहीं है, तो उसे दोनों के गुण नहीं पता। अब आप जब ये टूल सीख लेंगे, टीचर आप ऑलरेडी है तो आपको पेडागॉजी ऑलरेडी आती है, टूल आ जाएगा तो आप एक बेहतर कंटेंट बना पाएंगे जिसके अंदर पेडागॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू का भी ध्यान रखा जाएगा, विच विल मेक विच विल मेक आर कंटेंट मोर यूजफुल। तो यहाँ पे पेडागॉजी का मतलब वो है कि हम कैसे एंगेज कर रहे हैं, क्या हमारा एक्सप्लेनेशन मेथड है, क्या कैसे हम एक्सप्लोर करवा रहे हैं, कैसे हम उसको इवेल्युएट करवा रहे हैं बच्चों से, तो इन सारे कंसिडरेशन को हमें यहाँ पे देखना है। तो जब आप ई कंटेंट इवेल्युएट करेंगे तो आप ई कंटेंट में भी ये देखेंगे कि कैसे उसको इवेल्युएट, मतलब क्या उसमें पेडागोजी सही यूज हुई है, एज ग्रुप अप्रोप्रिएट है, कंटेंट अप्रोप्रिएट है या नहीं है, ये सारी चीजें आपको उसमें देखनी है। अगर आप सीक्वेंस भी देखें तो वैसे ही चल रहा है। फोर्थ पॉइंट आता है प्रेजेंटेशन। अब हमने जब कंटेंट की बात कर ली, पेडागोजी की बात कर ली, तब हम आ रहे हैं प्रेजेंटेशन पे कि वो एस्थेटिकली सुंदर भी हो, उसमें वैल्यूज भी हो, मोटिवेशन भी हो, एंगेजिंग भी हो, ये सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे देखेंगे कि मीडिया एलिमेंट्स जो है वो भी कोहेरेंट हो। कि मान लीजिए मैं वीडियो में बोल रही हूँ पर ऑडियो लेट आ रहा है या ऑडियो जल्दी आ गया, तो वो फोकस को डाइवर्ट करेगा। इन सब चीजों को भी हमें देखना है। इमेज है, मान लीजिए मैं बोल रही हूँ इस प्रोसेस के बारे में और इमेज मैं दिखा रही हूँ आपको अभी नीड की, तो ये सारी चीजें हमारे डिजिटल कंटेंट में भी हमें ध्यान देनी है कि कैसे हर चीज का प्रेजेंटेशन है वो ऑप्टिमल हो, जो चीज बताई जा रही है उसका इमेज अप्रोप्रिएट हो, वो हेजी इमेज ना हो, साउंड क्लियर हो, वीडियो विजुअल्स अप्रोप्रिएट हो, वो सारी चीजों का ध्यान हम प्रेजेंटेशन के अंदर रखेंगे। नेक्स्ट है टेक्निकल फीचर्स। अब यहाँ पे है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स, मान लीजिए आपने बहुत अच्छा कंटेंट बनाया पर उसको एक्सेस करना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे। उसके अलावा हम यहाँ कवर करेंगे कि उसका फाइल, जो भी आपने ई कंटेंट बनाया है उसके अंदर सारा मेटा डेटा आप डालें, उसका क्या फाइल फॉर्मेट है वो लिखें, मेटा डेटा में आप अपना नाम, कंटेंट का नाम, लाइसेंस, ये सारी चीजें आप लिखें, ड्यूरेशन कितनी है, इन सभी एस्पेक्ट्स को हम यहाँ पे कवर करते हैं। फिर है हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस, जो कि हमें बात करती हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस, जो हमने अभी अभी नीड में डिस्कस किया, कैसे डिलीवरी मैकेनिज्म क्या होगा, सपोर्ट सर्विसेज क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सारे चैलेंजेस है कि हम उसको मान लीजिए क्लास में ले गए लाइट ही नहीं है, उन सब चीजों को हम यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस के अंदर देखेंगे और कवर करेंगे। तो ये हमारे मेजर एस्पेक्ट्स बनते हैं जो कि हमें एज अ प्रोसेस देखने हैं, हमें इन सबको देखना है। यहाँ भी हमें पर एक डाउट रहता है कि आपने बात तो कर ली टारगेट ऑडियंस पर अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि हम कैसे इसको करें। तो इसके लिए हमें बेसिकली चाहिए एक ई कंटेंट इवेल्युएशन का टूल, जो कि आप अपने आप भी बना सकते हैं, या फिर जो ई कंटेंट क्रिएशन की गाइडलाइंस बनाई गई हैं आप उन गाइडलाइंस को भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी पैरामीटर्स फॉर ई कंटेंट इवेल्युएशन है, तो मैं गूगल पे ना जाके, अब ये हमारी वेबसाइट पे अपलोडेड है, सीआईटी की वेबसाइट पे, तो मैं आपको वहीं पे इसको दिखा देती हूँ। सीआईटी सिंपली मैंने डाला और सीआईटी की वेबसाइट आ गई, उस पर क्लिक किया और रिसोर्सेज में आपको जाना है। रिसोर्सेज में आप जब जाते हैं यहाँ पे आपको ई कंटेंट इवेल्युएशन नजर आएगा। अब आप यहाँ देखिए ई कंटेंट इवेल्युएशन टूल, आपके पास टूल आ गया, पैरामीटर्स, पूरे पैरामीटर्स आ गए, ये भी उसी टूल की एक कॉपी है। यहाँ पे ऑलरेडी जो ई कंटेंट रिव्यूअर्स बन चुके हैं एनसीईआरटी के साथ, उनकी लिस्ट है। यहाँ एक फॉर्म है, अगर आप बनना चाहते हैं तो वो फॉर्म भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो हमें जो देखना है, हम पहले पैरामीटर्स देखेंगे। आप देखेंगे कि पैरामीटर्स जो हमने अभी अभी डिस्कस किए बिल्कुल वही के वही हैं।
क्योंकि ये थोड़े से डिटेल में होते हैं तो मैं इसलिए इनको पहले दिखा रही हूँ, बाद में आपको टूल दिखाऊंगी। अब हमने कंटेंट की बात की थी, कंटेंट में हमारी फैक्चुअल एक्यूरेसी की बात थी, तो हमारा पहला पॉइंट है फैक्चुअल एक्यूरेट। कोई भी डिजिटल कंटेंट अगर फैक्चुअली ही करेक्ट नहीं है, चाहे वो कितना ही अच्छा बना हो, वो यूजफुल नहीं रहेगा। तो हमें यहाँ देखना है कंटेंट का, टेक्स्ट, डायग्राम्स, पिक्चर्स, सभी जो है फैक्चुअली एक्यूरेट है, कोई भी एरर उसमें नहीं है। सेकेंड है लीगल यूज ऑफ प्रोप्राइटरी कंटेंट। हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम कॉपीराइटेड कंटेंट ना यूज करें। अगर आप कोई प्रोप्राइटरी कंटेंट यूज भी करें तो उसके अंदर उसका लीगल यूज हो, या तो आपके पास परमिशन हो या फिर आप उसकी प्रॉपर लाइसेंसिंग की डिटेल्स हो, आप उसका पूरा रेफरेंस दें, वो सारी चीजों को आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे, जैसा भी आप कंटेंट बना रहे, जो भी आपकी सर्कमस्टांसेस है उसके अकॉर्डिंग। वैसे कोशिश ये करनी चाहिए कि प्रोप्राइटरी या कॉपीराइटेड कंटेंट को हम यूज ना ही करें तो बेहतर है। अगर आपको करना है तो आप लिंक डाल सकते हैं उसका, कि डायरेक्ट वहीं से दिखा दिया जाए रादर देन ब्रिंगिंग इट टू योर डिजिटल कंटेंट। थर्ड है कंटेंट पीस फ्री फ्रॉम टेक्निकल ग्लिचेस। टेक्निकल ग्लिचेस में जैसे मैंने बात की थी कि साउंड पहले आ रहा है या वीडियो बाद में आ रहा है, या वीडियो पहले आ रहा है साउंड बाद में आ रहा है, वो नहीं होना चाहिए। और जो विजुअल एक्सपीरियंस है उसका, कि जो मान लीजिए कोई आपने इमेज दिखाई तो ब्लर इमेज ना हो, या उसके कलर ऐसे ना हो कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में डिफिकल्टी हो, ये हमारा है थर्ड पॉइंट। अब आता है फोर्थ पॉइंट, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी अप्रोप्रिएटनेस ऑफ कंटेंट। इसके अंदर हम बात करते हैं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हम उनकी वायोलेशन ना करें। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू एजुकेशन है, तो हम जब बात करें कि इन बच्चों को तो पढ़ाना ही नहीं चाहिए, इस तरह की लाइन हमारे कंटेंट में नहीं होनी चाहिए। या फिर हम बोले कि जैसे पॉपुलेशन को देखते हुए हमारा एक नॉर्म है कि केवल मैक्सिमम टू चाइल्ड पॉलिसी है, तो आप अपने रिसोर्स में 5 बच्चे 4 बच्चे ना दिखाएं, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को वहां पे वायोलेट कर रहे हैं। हमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें ऐड की गई है उनको भी फोकस करना चाहिए। या फिर हम किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन होते हुए अपने वीडियो में, अपने रिसोर्स में ना दिखाएं, या किसी तरह की डेरोगेटरी रिमार्क फॉर एनी कास्ट, कम्युनिटी, क्रीड उनके लिए ना हो, कोई स्टीरियोटाइप ना हो कि तुम लड़की हो तो लड़कियों वाले काम करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी डेफिनेटली रिस्ट्रिक्टेड कि ये बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि अगर ये चीज होगी, अगर आप कोई कंटेंट इवेलुएट कर रहे हो उसमें इनमें से कोई भी चीज आती है, देन यू कैन हाईलाइट इट कि नहीं ये चीज नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी रिमूव, देन ओनली द कंटेंट विल बी अप्रूव्ड। तो ये एक सीरियस मैटर होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम ध्यान में रखें, इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स को हम ध्यान में रखें, जहां पे आप हैं उनके भी अपने नॉर्म्स होंगे, उनको भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट है कॉरेस्पॉन्डेंस विद द टॉपिक्स कवर्ड, मतलब कंटेंट वैलिडिटी कह लीजिए, करिकुलम वैलिडिटी कह लीजिए, वो भी हमारी इंपॉर्टेंट है कि जो टॉपिक हमने डिसाइड किया टेक्स्ट बुक से लिया कि हमें ये पढ़ाना है इस रिसोर्स के माध्यम से, या फिर हम क्लेम कर रहे हैं कि इस कंटेंट में वो पढ़ाया गया है, तो वो रेलिवेंट कंटेंट उसके अंदर हो। ऐसा नहीं है कि केवल टाइटल दे दिया और उसके अंदर कोई और कंटेंट है, देन ऑल्सो इट इज अ इट इज अ एरर। वी कैन चेंज इधर द टॉपिक और द कॉन्टेंट। देन है पेडागोजिक एंड एंड्रोगोजिक स्ट्रक्चर। हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि कैसा वो होना चाहिए, जैसे कि कंटेंट जो है उसको सपोर्टेड बाय एग्जाम्पल्स होना चाहिए, लर्निंग आउटकम बेस्ड होना चाहिए, अगर कोई ऐसा है जहां पे कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो सकता है वो होना चाहिए, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग प्रमोट करे, लॉजिकल रीजनिंग प्रमोट करे, कंस्ट्रक्टिविस्ट आइडिया को प्रमोट करें जिसके अंदर हम करके सीखते हैं उसकी बात करें। तो इन आइडियाज को जो हमारा करिकुलम हमें रिफ्लेक्ट करता है, हम उन आइडियाज को जो है इम्बाइब करें। कंटेंट के अंदर भी जब हम पढ़ा रहे हैं तो इजी से डिफिकल्ट की तरफ जाएं, कॉन्क्रीट आइडिया से एब्स्ट्रैक्ट आइडिया की तरफ जाएं, इन चीजों का भी हम ध्यान रखें। इन चीजों का जब हम ध्यान रखेंगे और प्रॉपर मेथड टीचिंग के यूज होंगे, देन इट विल बी अ अप्रोप्रिएट डिजिटल कंटेंट। नेक्स्ट है हमें क्या चेक करना है, उसकी लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी।
उसके अंदर सबसे पहले लैंग्वेज लेवल पे लैंग्वेज में कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए, ना ही ग्रामर में और ना ही शब्दों में, ना ही स्पेलिंग मिस्टेक्स, किसी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपको नजर आती है तो उसको पहले रेक्टिफाई किया जाए, तभी वो कंटेंट बच्चों तक पहुंचाया जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब हम कंटेंट बच्चों तक ले जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं वीडियो में तो वही बताया था, वो ठीक है। तो उनके ऊपर एक असर होता है डिजिटल कंटेंट का, हमें उस असर को ध्यान में रख के ही बच्चे को कंटेंट अप्रोप्रिएट और करेक्ट कंटेंट देना चाहिए। प्लस जो लैंग्वेज है या जो लैंग्वेज यूज हुई है वो ऐसी हो कि उस लेवल के उस एज के बच्चों के लिए कॉम्प्रिहेंसिबल हो। ऐसा नहीं कि हम अपने जार्गन्स फेंक रहे कि मुझे ये भी आता है मुझे वो भी आता है तो मैं अपनी लैंग्वेज ही फ्लॉन्ट करूं, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो चाहे कोई भी भाषा हो। उसके अंदर एक सिंपल भाषा होती है और एक कॉम्प्लेक्स भी होती है। तो हम अपने जार्गन्स ना प्रूव करें बल्कि बच्चे के लेवल के हिसाब से भाषा का उपयोग कंटेंट के अंदर हम करें। नेक्स्ट है कि फॉर्मेट ऑफ कंटेंट, ये हमने कल भी बात की थी वीडियो रिसोर्सेज में, आपने ऑडियो में भी बात की कि अप्रोप्रिएट फॉर्मेट कंटेंट का यूज हो। चाहे आपको डॉक्यूमेंट्री बनानी है, ग्रुप डिस्कशन करना है, इंटरव्यू करना है, उस ई कंटेंट में क्या जो फॉर्मेट यूज हुआ है वो उन बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं, ये आपको चेक करना है और उसे रेट करना है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज पेस ऑफ द प्रोग्राम। पेस मीन्स द स्पीड। जैसे आप नॉर्मली क्या होगा कि आप बोल सकते हैं कि मैम आपने इतने सारे पॉइंट्स इतनी जल्दी बता दिए, हम तो मिस कर गए 2 पॉइंट। तो जो वो स्पीड है बच्चे की एज के अप्रोप्रिएट होनी चाहिए कि बच्चा उसे फॉलो कर पाए। ऐसा नहीं हो कि या तो बहुत स्लो है बच्चा बोर होके सो गया, या बहुत फास्ट है कि वो मिस ही कर गया कंटेंट। तो एक कॉम्प्रिहेंशन का टाइम, अप्रोप्रिएट टाइम उसे मिलना चाहिए। अब ये अप्रोप्रिएट कैसे होगा, हमें कैसे समझ आएगा कि अप्रोप्रिएट टाइम क्या है? हम जब क्लास में पढ़ाते हैं जिस स्पीड से पढ़ाते हैं हम उसके अकॉर्डिंग कि इतनी देर में हमने ये टॉपिक पढ़ाया तो हमें इसी का डिजिटल कंटेंट बनाना है। तो डिजिटल कंटेंट उतना लंबा तो नहीं होता है, तो थोड़ा छोटा करके उसे क्रिस्प करके बनाए जिससे कि ना तो वो ड्रैग करे और ना ही बहुत फास्ट हो। नेक्स्ट इज ड्यूरेशन। अब जब हम उसे छोटा करके बनाएंगे, ड्रैग नहीं होने देंगे, तो ड्यूरेशन भी अंडर कंट्रोल रहेगी। अभी के लिए हम बात करते हैं डिजिटल कंटेंट की कि 2 से 5 मिनट का हो फॉर यंगर किड्स, बड़े हैं तो 7 से 10 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट। उससे बड़ा डिजिटल कंटेंट बिकम्स बोरिंग, मोनोटनस, उसे कोई नहीं देखता। तो हमें उस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम जो है उस कंटेंट के हिसाब से, उस ऑडियंस के हिसाब से अप्रोप्रिएट है या नहीं। इन चीजों का भी हमें अपने डिजिटल कंटेंट में ध्यान देना है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ नोट्स भी दिए गए हैं जिन जो इवैल्यूएट करेंगे उनके लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अ कंटेंट पीस शेल बी डीम्ड फिट फॉर कंजम्पशन व्हेन इट हैज स्कोर्ड यस इन द फर्स्ट 4 क्यूरेशन। डीम्ड फिट, फिट नहीं, डीम्ड फिट फॉर कंजम्पशन, दैट मीन्स जो पहले 4 पॉइंट्स थे जो थे फैक्चुअल एक्यूरेसी, लीगल यूज, टेक्निकल ग्लिचेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, इन 4 पर वो कंटेंट परफेक्ट होना चाहिए। अगर इसी लेवल पे कमी है इट शुड नॉट बी फर्दर टेकन इटसेल्फ। अगर ये 4 ठीक है तभी आगे के इवैल्यूएशन की आपको जरूरत भी है, नहीं तो आप उसको उसी लेवल पे रिव्यू के लिए, रिवाइज करने के लिए भेज सकते हैं। एंड उसके अलावा बाकी के जो हमारे पॉइंटर्स थे 4 के अलावा 6 पॉइंट्स में, अगर उन्होंने 3 और अबव मार्क्स गेन किए हैं तभी हम उसको अप्रोप्रिएट माने। मतलब कि उन 6 क्वेश्चन में सब में आपने मिनिमम 3 आपने आंसर किए हैं तभी आप उसको इवेलुएट करेंगे, मतलब यूज करेंगे, देन ओनली इट विल बी कंसिडर्ड फिट फॉर कंजम्पशन। तो हमें ये जरूर देखना कि कितना इंपॉर्टेंट था कि ये जो 4 पॉइंट शुरू के हैं, फैक्चुअल एक्यूरेसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीगल यूज, कंटेंट पीस फ्री फ्रॉम टेक्निकल ग्लिचेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रोप्रिएटनेस, इन पॉइंट्स का हमें खास तौर पे ध्यान रखना है। अब हमने बात कर ली पैरामीटर्स की और बहुत डिटेल में हमने उन पैरामीटर्स को डिस्कस कर लिया, और ये पैरामीटर्स जो हमने डिस्कस किए ऑलमोस्ट इन द फॉर्म ऑफ, इन द शेप ऑफ टूल ही हैं। आप देखोगे यहाँ पे आंसर है, यहाँ रिमार्क्स हैं कि आपको अपना रिमार्क भी देना है अगर आप कोई चीज कह रहे हैं,
उसके बाद यहाँ पे रेटिंग है, आप रेटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना रिमार्क दे सकते हैं। सो दिस कैन डायरेक्टली बी यूज एज अ टूल ऑल्सो, बट इफ यू वॉन्ट कि इतना डिटेल में हर बार हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी एक और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन होगी या नेशनल ऑब्लिगेशन है कि हम वेस्टेज या रिसोर्सेज को मिस यूटिलाइज ना करें, तो उस केस में इसी को हमने एज अ टूल प्रेजेंट किया है, वही पॉइंट्स है, बस उसको क्रिस्प कर दिया, उसकी जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो हटा दी जाए, तो ये टूल एक ही पेज में हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे वही चीजें हैं, पर इसको केवल यहां से अगर आप कंपेयर करेंगे तो केवल ये जो एक्सप्लेनेशन थी ये हटा दी गई है, एंड द टूल बिकम स्मॉलर एंड मोर यूजर फ्रेंडली फॉर रिव्यूइंग द कंटेंट। और यहाँ पे उन्होंने पूरा उसका नोट भी दिया है और रिव्यूअर की डिटेल्स भी ली हैं कि किसने ये कंटेंट रिव्यू किया है। तो इन चीजों को हम यूज कर सकते हैं अपनी क्लासरूम में और कंटेंट को डेवलप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं या रिव्यू कर सकते हैं। अब इसी में आप देखेंगे रिसोर्सेज में ही, आपने शायद पहले देखा हो या नहीं देखा हो, तो यहाँ पे ई कंटेंट गाइडलाइंस भी हैं। अगर हम उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कंटेंट बनाएंगे तो हो सकता है हमें जरूरत ही ना पड़े कि हमें इवेलुएट करना, मतलब करना है लेकिन हम ऑलरेडी चांसेस है कि वो कंटेंट रिजेक्ट नहीं होगा या रिव्यू में नहीं आएगा, वो अब जल्दी पास हो जाएगा। तो यहाँ दो गाइडलाइंस है, एक फॉर ई कंटेंट फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, एक है फॉर स्कूल्स एंड टीचर एजुकेशन। इस गाइडलाइन को आप डॉक्यूमेंट को एक बार जरूर देख लें। अब आप इस पे देखेंगे कि जो जो चीजें हमने डिस्कस की कुछ कुछ आपको इसी में मिल जाएंगी। हमने अभी इसकी बात की थी, डिफरेंट टाइप ऑफ ई कंटेंट की बात की थी, अब हम इसकी भी बात करने वाले हैं, एनालिसिस डिजाइन डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये है एडी मॉडल फॉर इंस्ट्रक्शनल डिजाइनिंग। तो हमने इतनी लंबी बात की इवेल्युएशन के ऊपर, पर अगर हम ई कंटेंट क्रिएशन पे इतनी बात कर लेंगे तो हमारा इवेल्युएशन बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। वो कैसे होगा? वो कैसे होगा कि आपने जैसे ही कभी प्लान किया कि मुझे ये डिजिटल कंटेंट बनाना है, तो आप उसको एनालाइज करेंगे। एनालिसिस में भी आपके पास बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं कि आपने उसमें कंटेंट एनालिसिस करना है कि क्या पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है, उनका एज ग्रुप क्या है, जो चीजें हमने शुरू में बात की थी, वो बेसिकली स्टूडेंट एंड टॉपिक एनालिसिस, कैसे पढ़ाना है, हम ये सारी चीजें पहले डिसाइड करेंगे कि मान लीजिए हमने एक टॉपिक पढ़ाना है, मैं टॉपिक देख रही हूँ, मेरे पास क्लास 8 की बुक सामने आ गई तो मैंने सोचा वहीं से देख लिया जाए। मान लीजिए हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन के ऊपर या ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं, हमें ये टॉपिक पढ़ाना है, इसके ऊपर हमने एक डिजिटल रिसोर्स बनाना है, तो हम ये एनालाइज करेंगे कि कौन सी क्लास के लिए है, क्या उनकी बैकग्राउंड नॉलेज है, इससे पहले उन्होंने इसके बारे में क्या पढ़ा है, उनको क्या लैंग्वेज कंफर्टेबल है, कैसे एग्जाम्पल्स दिए जाएं, कौन हमारी टारगेट ऑडियंस है, इस चीज को हमने एनालाइज किया। प्लस हमने ये एनालाइज किया कि क्या इसको इमेज के माध्यम से पढ़ाया जाए, ऑडियो या वीडियो, या फिर इन्फोग्राफिक या कोई और टाइप ऑफ रिसोर्स हम यूज करें। अब उस पर्टिकुलर रिसोर्स के अंदर जो भी हम बना रहे हैं, चाहे वीडियो बना रहे हैं या फिर सिमुलेशन ही बना रहे हैं, उसके अंदर हम ये डिसाइड करेंगे कि फॉर्मेट क्या होगा। हम उसके अंदर टू डू आएगा, मान लीजिए वीडियो है तो हम करके देखेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन है, बाय हैंड डूइंग है या केवल वॉचिंग है, वो सारे एलिमेंट्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो हमारा फॉर्मेट भी वहीं पे फाइनली डिसाइड हो जाएगा फर्स्ट स्टेज पे। वंस यू हैव एनालाइज्ड योर एरिया, देन यू कैन शेयर इट विद योर फेलो टीचर्स टू एनालाइज, टू इवेलुएट इट, सो दैट वी कैन नो दैट वेदर वी आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। इसके बाद हमारी स्टेज आती है डिजाइनिंग के। डिजाइनिंग के अंदर हम उससे रिलेटेड मटेरियल सारा कलेक्ट करेंगे, इमेजेस चाहिए, कोई और मान लीजिए कोई और बैकएंड तैयारी चाहिए, कोई वीडियो रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए जो जो डेटा चाहिए, वो सारी चीजों को हम प्लान करेंगे। स्क्रिप्ट के लिए हम थोड़ी सी एक रॉ डेटा बनाएंगे कि हम क्या पढ़ाने वाले, कैसा पढ़ाने वाले, वो सब चीजें हमारी डिजाइनिंग स्टेज पे आएंगी। थर्ड स्टेज है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अंदर हम एक्चुअल वीडियो रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, सारा कुछ आएगा, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरी बोर्डिंग, हम वो पूरा काम करेंगे और उसके बाद एक प्रोग्राम बनेगा जो हम इवेल्युएशन के लिए देंगे, अपने कुलीग्स को दे सकते हैं या एक दो बच्चों पे टेस्ट कर सकते हैं कि क्या ये कंटेंट ठीक है। वंस इट इज फाइंड ओके, देन इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द रियल सिनेरियो फॉर यूज ऑफ द कंटेंट।
Evaluation, but here comes on every step. When we read AD, we find out that it is not AEDE, not like that. It is written AD, but evaluation is hidden in every step. That is the most important aspect of AD, why we follow this model for instructional, for creating any instructional design. अब इसी को अब आपने जब डिसाइड कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आता कि एनालिसिस में क्या करना है, आप यहाँ देखेंगे एनालिसिस के लिए पूरी स्टेप्स दी गई हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिनको आपको एनालाइज करना है, वो यहाँ पे सारे दिए गए हैं। फिर स्टेप टू में आपने क्या क्या डिजाइनिंग के लिए क्या क्या करना है, वो आपको सारे स्टेप्स दिए गए हैं। इस तरह से आपको पूरा कंटेंट तैयार करना है और इवेलुएट करना है। अभी तक अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो, आप ये सारे गाइडलाइंस डॉक्यूमेंट्स को आप पढ़ सकते हैं, और उसके बाद आपको कोई भी डाउट हो या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। अभी भी अगर आपको लगता है आपका कोई पॉइंट मिस हुआ है, हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। वंस आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट टू रिव्यू वन रिसोर्स। अब आपने टूल देख लिया, आपको आइडिया हो गया टूल में क्या है, मैं एक रिसोर्स प्ले करूंगी एंड देन वी विल डिस्कस अपॉन इट की क्या आपने उसको कैसे इवेल्युएट किया। यू विल डू इट ऑन योर ओन सो दैट वी आर क्लियर कि हमने किस चीज को यहाँ पे डिस्कस किया है, क्या हमने बात की है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। मोनिका मैम, अगर फिक्शनल कंटेंट है तो उसमें हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि फिक्शनल कंटेंट यूज होते ना? सर फिक्शन में भी हो सकता है वेरिफिकेशन इवेल्युएशन, क्योंकि फिक्शन में आप एक स्टोरी के रूप में मेन कंटेंट तो प्रेजेंट करेंगे ही ना। जैसे हम एक कहानी के माध्यम से ही सही कोई लैंग्वेज सिखा रहे हैं या कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, या मान लीजिए किसी स्टेट के बारे में हम बता रहे हैं, वहां के रिसोर्सेस के बारे में बता रहे हैं, तो हमने एक स्टोरी निट कर ली, पर उसके अंदर जो फैक्ट्स हैं या जो हमारी नॉलेज है दैट रिमेन्स द सेम टू द टॉपिक। तो हम वो मैप करेंगे करिकुलम के साथ कि क्या वो अप्रोप्रिएटली मैप्ड है, क्या उसमें जो लैंग्वेज यूज हुई है वो अप्रोप्रिएट है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत ही ज्यादा फिक्शन करने के चक्कर में कंटेंट लॉस्ट ही हो जाए उसमें, ये भी नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस मेंटेन हो कि हमें पता हो हम पढ़ भी रहे हैं और थ्रू एन एंगेजिंग मेथड हम पढ़ रहे हैं, तो ये सारे पॉइंट्स को हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे हमने थ्रस्टी क्रो वाली लेते हैं हम स्टोरी, या ग्रीडो भी लेते हैं, तो थ्रस्टी क्रो एज इट इज तो हम मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो एक फिक्शन है कि उसने उठा के कंकर डाल दिए, तो ये तो अपनी लिबर्टी होती है ना फिक्शन में, तो लिबर्टी की हम क्या भी सोच आप सकते देखो हैं। ना, देखो थर्स्टी क्रो का आप यूज किस लिए कर रहे हो, छोटे बच्चे को आप एक स्टोरी सुना रहे हो, उस स्टोरी के माध्यम से आप कोई वोकैबुलरी सिखा रहे हो, प्लस आप उन्हें ये सिखा रहे हो कि हमें सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। हमारे जो लर्निंग आउटकम हो सकते हैं, हमने यही बात की थी कि लर्निंग आउटकम्स भी हमारे डिसाइडेड हो, तो जब आप उस स्टोरी को सुना रहे हो तो उस स्टोरी के अंदर आप उस बच्चे की इमेजिनेशन स्किल बढ़ा रहे हो, ठीक है। अगर आपने उसको ऑडियो में गाया या वीडियो में किया तो इमेजिनेशन स्किल बढ़ी, उसके बाद उसका एक कौए से ओरिएंटेशन हुआ कि कौआ कैसा लगता है, कैसा दिखता है, व्हाट इज क्रो एक्चुअली। तो आप उस स्टोरी के बाद भी एक इमेज ला सकते हो कि ये कौन सी बर्ड है, या फिर उसके अंदर आपने जो वर्ड्स यूज किए, मान लीजिए स्टोरी सुनाते हुए आप उसी स्टोरी को सिंपल शब्दों में भी सुना सकते हो, कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हो, तो उस बच्चे की एज के हिसाब से आपको वोकैबुलरी चुननी है, उसको वो रिपीट करेगा उन वर्ड्स को तो उसकी वोकैबुलरी क्रिएट हो जाएगी, इन चीजों को हम वहां पे फोकस तो करेंगे। फिक्शंस भी हो सकती हैं, मतलब एक्चुअल बिल्कुल फैक्चुअल थोड़ी की जो एक्चुअल बिल्कुल फैक्चुअल हो ही की ऐसे, मतलब फैक्चुअली तो वेरीफाई हो नहीं सकता वो, नहीं, क्योंकि नई वो नई वो है ही फिक्शन नहीं है वो। ना। हाँ देखिए वो तो फिक्शन कोई ही भी स्टोरी जो हमारी स्पेशली एनिमल बेस्ड स्टोरी है जिन्हें हम फेबल्स कहते हैं, अभी मैंने है। लास्ट प्रोग्राम में एक फेबल सुनाई थी पार्टिसिपेंट्स को रिव्यू के दौरान, छोटी छोटी फेबल्स थी एनिमल्स वाली की, आया कुत्ता आया रोटी ले गया, मतलब इस तरह की, तो उसमें क्या लर्निंग है, कोई लर्निंग नहीं है। पर लर्निंग आप अपने लेवल पे मत सोचिए ना, वो स्टोरी बनी है एक छोटे बच्चे के लिए। हम ये थर्स्टी क्रो की स्टोरी बच्चे को 2-3 साल की उम्र में सुनाते हैं, 4 साल तक सुनाते हैं, उसके बाद तो हम शायद सुनाते भी नहीं है। उस एज में उस बच्चे को हम कौए से ओरिएंट करा रहे हैं, उसको पता चल गया कौआ क्या है, हमने उसको ये बताया पत्थर क्या है, हमने उसको ये बताया कि अगर पानी नीचे हो तो ऊपर आ सकता है, रोना नहीं होता, हर सिचुएशन में सॉल्यूशन ढूंढना होता है।
हमने उसके अंदर ये एक इनडायरेक्ट फीडिंग कर दी, उसके अलावा हमने उसको थोड़ी सी राइमिंग सिखा दी अगर वो पोएम के फॉर्म में है, अगर वो स्टोरी के फॉर्म में तुमने नई वोकैबुलरी उसके अंदर डाल दी। तो इन छोटी फेबल्स का तो मतलब ही यही है कि हम अपनी नेचर से बच्चों को ओरिएंट कर रहे हैं, अलोंग विद गिविंग देम सम नॉलेज ऑफ न्यू वर्ड्स, न्यू ग्रामर एंड मे बी द मॉरल्स, मे बी द एक्शंस विच वी कैन टेक इन आर रियल लाइफ, कि जब हम प्रॉब्लम फेस करें तो हम भी वी शुड एनालाइज द होल सिचुएशन एंड देन टेक एन एक्शन। तो इस तरह से उन स्टोरीज का यूज है। आप ऐसा बोले कि उसको पढ़ के मैं कैलकुलस सीख जाऊंगी तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। मतलब फैक्चुअल तो नहीं कह सकते ना, जैसे हम कहेंगे फैक्ट नहीं, बेस्ड वो नहीं तो होती, वो स्टोरी तो बेस्ड है, हाँ वो लैंग्वेज स्टोरी बेस्ड होती लैंग्वेज है। लर्निंग के लिए ही अप्रोप्रिएट होती है, वो उसी के लिए, और कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए होती है। ओके, और अभी चैट में काफी कुछ आया है, इन दैट केस वी मे हैव टू चेक द प्रोनंसिएशन, यूज ऑफ ओपन सोर्स एलिमेंट, द कंटेंट, मेनी अदर थिंग्स। यस ओके। तो अब जैसे हमने, मैंने बात की थी स्टोरी की, कि हमने, मैंने एक ऑडियो सुनाई एक स्टोरी की, तो उसके अंदर यही था कि बच्चे ने नए वर्ड सीखे, सर ने जैसा बोला प्रोनंसिएशन उनका करेक्ट सीख लिया, तो इन्हीं चीजों को हमने उनके अंदर इनबिल्ट किया। अब मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी, बेसिकली वो एक इमेज ही शेयर करूंगी, और फिर हम उसको रिव्यू करेंगे। सो नाउ आई एम जस्ट शेयरिंग द, अब आप देखेंगे ये एक रिसोर्स है, छोटा सा रिसोर्स है, एक इमेज है बेसिकली, उस इमेज के ऊपर इतना एनालिसिस किया गया है, एंड आपको देखना है कि क्या ये ई कंटेंट अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। अब मैं देखती हूँ आप लोग क्या समझते हो इस रिसोर्स से, पहले ये पूरा हम प्ले करेंगे। कक्षा में चित्रों का इस्तेमाल क्या क्या करे कमाल। बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने के लिए पाठ्य पुस्तक हो या अन्य बाल साहित्य, उसमें दी गई चित्र सामग्री या तस्वीरों को अनदेखा करके केवल प्रिंट को पढ़ना पढ़ाना क्या बच्चों को रुचिकर लगेगा। किताब हाथ में आते ही वे चित्र निहारते हैं, उसी में खो जाते हैं, देखते रहते हैं, पूरे इत्मीनान से और धैर्य से इस चित्र को देखते हैं। कक्षा में इसका उपयोग बच्चों के साथ किस तरह किया जा सकता है, इसकी चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ शिक्षक हैं जो कक्षा में तस्वीरों पर बातचीत को महत्व देते हैं और इसकी उपयोगिता को समझते हैं। कक्षा में बच्चों के साथ दो चित्र सामने रखकर बातचीत की शुरुआत कैसे करेंगे? सबसे पहले तो यही बात करेंगे, ध्यान से देखो, ढूंढो और अंदाजा लगाओ। यह तस्वीर किस जगह की है? इस तस्वीर में कौन कौन है? क्या इस चित्र में चाय वाला है? क्या तुमने यहाँ कुली को देखा? हम कुछ ऐसे सवाल भी कर सकते हैं जो चित्र में दिखाई गई किसी चीज या घटना पर बच्चे की प्रतिक्रिया व्यक्त करें। एक आदमी भाग क्यों रहा है? कुछ लोग लाइन में क्यों लगे हैं? लड़की चाय वाले से क्या कह रही है? मैं ये भी कोशिश करती हूँ कि चित्र के माध्यम से बच्चों को पढ़ने लिखने का भी मौका मिले, इसीलिए इस तरह के प्रश्न करना उपयोगी रहता है। उंगली रखकर बताओ
चित्र में कहां कहां कुछ लिखा है। अब पढ़कर देखो यहां क्या क्या लिखा है। यहां जो लिखा है उसे अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो। चित्र में किस किस चीज की दुकान है लिखो। मुझे लगता है कि चित्र पठन के माध्यम से लिखकर बच्चे को अपनी बात कहने का अवसर दिया ही जाना चाहिए। वे अपनी बात स्ववर्तनी में लिखें। वर्तनी सही करने के चक्कर में मैं उन्हें रोकती टोकती नहीं हूँ। यह अवश्य है कि पहले बच्चों के साथ मौखिक रूप से चर्चा करती हूँ, फिर वे लिखते हैं। टोपी वाला आदमी लड़की से क्या पूछ रहा होगा? छोटे लड़के और खोमचे वाले के बीच क्या बात हो रही होगी? बात लिखने पढ़ने की हो रही है, तो हम बच्चों से चित्र में से देखकर कुछ ऐसे शब्दों के अर्थ भी पूछ सकते हैं जो उनके लिए मुश्किल हैं, पर संदर्भ से अर्थ बताने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे इस चित्र में कुछ शब्द हैं, सामग्री, मासिक, दैनिक, स्वच्छता, वस्तु, निषेध, धूम्रपान। मैं सोचती हूँ चित्र पठन हमें बहुत सी ऐसी संभावनाएं भी देता है जिसमें बच्चे हमसे कुछ सवाल करें और कुछ हम उनसे करें, जिससे वे अपनी जिंदगी के अनुभव इस बातचीत में बताएं, सोचें। अगर इस आदमी की जो भाग रहा है गाड़ी छूट गई तो क्या होगा? वो क्या करेगा? किताबों की दुकान के पास बैठा ये व्यक्ति क्या सोच रहा है? तुम ट्रेन में कहीं जाने का प्रोग्राम बना रहे हो, क्या क्या ले जाओगे? क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम इसको मैं यहीं पे रोकूंगी। अब अगर हम बात करें, हमने इस वीडियो को देखा तो अगर हम अपने पॉइंट्स को याद करें, हमने बात की थी हमारा जो टारगेट ऑडियंस है, तो क्या ये टारगेट ऑडियंस की अप्रोप्रिएट है? सबसे पहले इसका टारगेट ऑडियंस कौन है? ये ई कंटेंट किसके लिए बनाया गया है? ओके, दो आंसर आए। अच्छा, ओके, स्मॉल चिल्ड्रन। ओके, तो हमारी पहली अंडरस्टैंडिंग ही यहाँ पे काफी हद तक गड़बड़ा गई है। काफी टीचर्स ने सही जवाब दिया है कि ये टीचर्स के लिए बनाया गया है, ये बच्चों के लिए नहीं है। बच्चों को नहीं दिखाना है ये रिसोर्स। दिस इज फॉर टीचर्स की, वो चित्रों का इस्तेमाल क्लास में कैसे करेंगे। तो हमें सबसे पहले इस चीज को समझना है। अगर हम इवैल्यूएशन में, मान लीजिए मैंने समझ लिया ये बच्चों के लिए है और उसके बाद हम इवैल्यूएट करेंगे, तो ये तो इन बिल्कुल ही कंटेंट बेकार हो जाएगा टीचर्स उस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये टीचर्स के लिए है जो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं और वो चित्रों का यूज कैसे कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, हमें समझ नहीं आता कभी कभी कि यार ये दिया हुआ है, इसको क्या करूं अब मैं, या ये कैसे करवाऊं। सो अगर आप देखोगे एक चित्र के माध्यम से, अब उसमें कंटेंट ढूंढते हैं, तो अगर आप देखेंगे करिकुलम या सिलेबस ऑफ छोटे बच्चों का, दो क्लास दो या क्लास तीन प्राइमरी विंग का, लेकिन बात बच्चों की तो होगी ना मैम, वो तो बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं। आप एक बार थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम उन्हें ये बताएंगे कि, सॉरी मैं ये कह रही थी कि सिलेबस में है कि बच्चों को नई वोकैबुलरी सिखाने हैं, फॉर एग्जांपल। अब उसमें कोई वो नहीं दिया गया, आप बुक से सिखा सकते हैं डायरेक्ट, बड़ा बोरिंग तरीका है। अगर हम चित्र से सिखाते हैं तो कितना अच्छा होगा, एक चित्र है, बच्चे उसमें नई वोकैबुलरी भी सीख गए, उन्होंने अपने दिमाग को इस्तेमाल भी किया कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा होगा, ये क्या क्यों बैठा है, उन्होंने अपनी इमेजिनेशन को बढ़ाया। तो यहाँ पे हमने बच्चों के अंदर वो जो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग की बातें की थी टूल में, पैरामीटर्स में, वो हम यहाँ पे इनकलकेट कर पाएंगे। उसके अलावा उन्होंने
हमें आदत होती है, हम बाहर जाते हैं बिलबोर्ड्स को पढ़ते रहते हैं, तो बच्चों की वो आदत इनहांस होगी अगर टीचर इस तरह के चित्र क्लास में दिखाएगा। अब इस चित्र में इतने सारे एलिमेंट्स भरे हुए हैं कि बच्चे जो है सबके पास बोलने के लिए कुछ ना कुछ जरूर होगा। मान लीजिए क्लास में चाहे 20 बच्चे हैं, चाहे 40, चाहे 50, इस एक चित्र में 50 एलिमेंट है बोलने के लिए डेफिनेटली। तो बच्चा उन सबकी बातें करेगा, टीचर उनका फोकस ले जा सकता है नए वर्ड्स की तरफ, नई एक्टिविटीज की तरफ। हो सकता है सब बच्चों ने ये वाला सिनेरियो ना देखा हो, तो इस तरीके से वो इस सिनेरियो से भी परिचित हो जाएंगे। इसी तरह के चित्र, जैसे मान लीजिए हम कहीं गए, हम कुतुब मीनार की फोटो खींचते हैं या हम मॉल में जाते हैं मॉल की फोटो खींचते हैं, तो जिस बच्चे को नहीं पता मॉल क्या होता है, फोटो से ही तो उसको ओरिएंट करवा देंगे। ये हमारा एक आइडिया आ गया। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो हम वैल्यूज भी डाल रहे हैं, हम एक सराउंडिंग से परिचित करा रहे हैं, नए शब्द सिखा रहे हैं, थिंकिंग एनहांस कर रहे हैं, ये सारे एलिमेंट्स हम कर रहे हैं। अब जो हमारा, अगर हम टूल को याद करें, फैक्चुअल एक्यूरेसी की बात हुई थी, तो यहाँ पे फैक्ट तो कुछ नहीं है, यहाँ पे एक चित्र है जो रियल लाइफ चित्र है, जिसके अंदर से हम नई नई चीजें निकाल के बच्चों को सिखा रहे हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी बना रहे हैं, उनको हम रिफ्लेक्टिव थिंकर बना रहे हैं, उनकी एक जो स्किल है थिंकिंग स्किल को एनहांस कर रहे हैं। एक जो हमारा फोकस होता है, हम बाहर चलते हुए पढ़े, हम बच्चों को सिखाते हैं कि वो पढ़े, वो स्किल हम इसके थ्रू एनहांस कर रहे हैं। अब उसके अंदर हमारा नेक्स्ट पॉइंट था कि उसकी टेक्निकल क्लैरिटी हो, कि वो चीज वीडियो है तो वीडियो अच्छे से दिख रहा हो, सिंक हो। अब इस चित्र में हमें ये ध्यान देना है कि क्या ये चित्र जो था या जो ये रिसोर्स टीचर्स के लिए बना है, क्या उनके लिए वो लैंग्वेज ठीक थी, क्या उनके लिए वो विजिबिलिटी ठीक थी, क्या इमेजेस उसमें क्लियर थी, शब्द अगर लिखे हुए तो अप्रोप्रिएटली लिखे हुए थे। फिर हमने लैंग्वेज की बात की, तो कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं थी, लैंग्वेज या ग्रामर की एरर तो नहीं थी, उन चीजों को भी हम इसमें चेक करें। अब यहाँ पे पूरे चित्र में हर तरह के लोग हैं, पर कहीं कोई डेरोगेटरी रिमार्क नहीं दिया गया जब एक्सप्लेन किया गया। तो इन चीजों की हमने बात की, तो एक एज अ टीचर हमें भी समझ में आ जाएगा कि हाँ, ऐसे मैं वोकैबुलरी इंक्रीज कर सकती हूँ या नई सिचुएशंस उनको सिखा सकती हूँ। सो दिस इज अ वे ऑफ टीचिंग। तो ये एक टीचर टीचर की ट्रेनिंग के लिए बनाया हुआ रिसोर्स है, ना कि स्टूडेंट की। इसीलिए मैंने इसको प्ले किया था, टू नो कि हम लोग कितना केयरफुली हम ये देखते हैं कि वो रिसोर्स बना किस लिए, क्योंकि ई कंटेंट आते ही हम सोचते हैं बच्चों के लिए बना रहे हैं, हमें तो सब कुछ आता है। तो हम टीचर्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी भी हेल्प कर रहे हैं कि किस तरह से वो अपनी टीचिंग में नए नए मेथड्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। आप सब लोग इतना लिखते जा रहे, मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूं। लास्ट के दो तीन पढ़ लेती हूँ। यस, टीचर ट्रेनिंग को विद एग्जाम्पल निषेध धूम्रपान क्रिटिकल डेवलपिंग। यस, नए शब्दों का इंट्रोडक्शन हो गया। यस, इसके अंदर हम एक चीज और भी करते हैं कि हम बच्चों को बोल सकते हैं कि किसी एक सिचुएशन को उसमें से उठा लिया, उसको एक्सप्लेन करें कि दो लोग खड़े हैं तो आपस में क्या बात कर रहे होंगे, वो कहाँ जा रहे होंगे, क्यों जा रहे होंगे, वो अपनी पूरी इमेजिनेशन उसके ऊपर लगा देंगे। मोनिका मैम लिख रही है कि इट इज अ बिट रश्ड, देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, इवन अ टीचर नीड टाइम टू लेट इट सोक इन। डेफिनेटली मैम, ऐसा नहीं, टीचर के लेवल पे अगर आप देखोगे तो उतना नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक चित्र को यूज करना बता दिया है, क्योंकि टीचर को काफी चीजें पता होती है, तो उस हिसाब से ये डेवलप किया गया है। पर आपको लगता है कि बहुत फास्ट है, तो आप इसको और थोड़ा सा लेंदी कर सकते हैं, या एक एक अलग अलग रिसोर्स बना के आप अलग अलग चीज को फोकस कर सकते हैं। एक किसी ने स्टार्टिंग में शायद बोला था कुछ लैंग्वेज का, कि ये हिंदी में है शायद इंग्लिश में, तो वो आप बना लीजिए। ये तो दीक्षा पे रिसोर्स अवेलेबल है, मैंने भी वहीं से डाउनलोड किया है, आप इसको लीजिए और ऑडियो चेंज कर दीजिए, क्योंकि लिपसिंक तो इसमें है ही नहीं, लिपसिंक मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं है, तो आप इसको लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन कैन बी प्रमोटेड। यस, ओपन एंडेड क्वेश्चन से हमारा एक्चुअल नॉलेज एनहेंसमेंट होता है और एंगेजमेंट भी क्लास में बढ़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इस तरह के चित्र से सब बच्चों को बोलने का मौका मिलता है, अगर हम एक टीचर की तरह देखें तो सारी क्लास को हम इन्वॉल्व कर पाते हैं, उनके अंदर जो सही गलत की भावना है या कोई इनहिबिशन है
वो सारी हम इस तरह के रिसोर्सेस से खत्म कर सकते हैं, क्योंकि हम उनसे डायरेक्ट कोई कंटेंट की बात नहीं कर रहे, गलत सही नहीं कह रहे, सब कुछ सही है। वो जरूरी नहीं है ना कि वो टीटी को देखे या वो मैगजीन को देखे, वो कुछ भी देख सकता है उस चित्र में। ही और शी द चाइल्ड इज ऑलवेज राइट इन दैट केस। तो इट गिव्स अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर डिस्कशन एंड इंटरेक्शन। यस वेरी नाइस। आप लोग बोल भी सकते हैं, नहीं तो मैं ही बोलती जा रही हूं, आपके आंसर्स भी मुझे ही पढ़ने पड़ रहे हैं। यस वेरी गुड। प्रेमलाल सर ने जो लिखा है कि कई बार टीचर्स ने भी जो नहीं सोचा होता वो बच्चे बोल देते हैं। जैसे मैं इतनी चीजें बोल रही हूँ और आप लोग उससे नई नई चीजें बोल रहे हैं, हम सोच के नहीं आते कि इससे ये होगा। हमने कोई तीन चीजें सोची, उसमें कितनी अनइमेजिनेबल पॉसिबिलिटी होती है ये हमें पता ही नहीं होता। पर बच्चों का जो नया पॉइंट ऑफ व्यू आता है, फ्रेश पॉइंट ऑफ व्यू आता है, उससे हम नई नई चीजें सीख पाते हैं। तो अभी आपको ये क्लैरिटी हो गई हमें ई कंटेंट इवेल्युएशन कैसे करना है। हमने उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया इस ई कंटेंट के रेफरेंस में। तो जब भी आप कंटेंट देखें तो आप ये जरूर देखें कि उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, क्योंकि जिसने बनाया वो दिया होगा तो आप इवेल्युएट करें। और अगर आप बना रहे हैं तो आप जरूर दें, ताकि कोई आप जैसे आज आप कंफ्यूज हुए, कोई और कंफ्यूज इस तरह से ना हो। अब आप लोग के कोई क्वेश्चन है तो आप बोलिए, मैं तो बहुत देर से बोल रही हूँ। आप लोग सब वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, मैं खुद को देख रही हूँ इतनी देर से, मैं बोर हो गई हूँ। आप लोग अपनी वीडियो ऑन कीजिए, अपने ऑडियो ऑन कीजिए और अब आप बोलिए रादर देन टाइपिंग। इतनी मेहनत मत करिए। यस सारिका जी मैम, नमस्ते मैम। जी दीक्षित सर बोलिए। जी दीक्षित दवे मैम। मैम दीक्षा पर रिसोर्सेस अवेलेबल है, जैसा आपने बनाया कंटेंट उसको यदि अपनी वॉइस के अंदर अपन रिकॉर्ड करके ऐड करते तो क्या वो कॉपीराइट में आएगा? नहीं, जो दीक्षा पे अवेलेबल है उनका लाइसेंसिंग अलग है, तो वो OER है, ओपन एजुकेशनल हाँ रिसोर्स के अंदर आता है। तो आप उसका लाइसेंस आपको वही कॉपी करना होगा सेम जो दीक्षा पे है, और आपको उसका पूरा रेफरेंस देना होगा, एंड देन यू कैन यूज इट। थैंक यू मैम। हाँ, किसी ने चैट में कुछ कॉपीराइट रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा था, कौन थे वो अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं ऐसे ही थोड़ा सा बता दूंगी। अगर मुझे तो ध्यान नहीं है, वो ढूंढना भी मुश्किल होगा। मैम कॉपीराइट से संबंधित पूछा था कि इसका इश्यू जो बहुत ज्यादा आता है, तो इसको थोड़ा सा क्लियर करे तो हमें हेल्प मिलेगी। आपका सेशन OER वाला हुआ होगा ना, उसमें तो सारा डिटेल में बताया होगा आपको। हाँ, एक दो लाइन थोड़ी सी बात हुई थी, हालांकि बताया था उन्होंने, फिर भी हम आपसे और पूछ लेते हैं। मैं आपको जो बता रही हूँ कि आपको जो एक कोर्स करने के लिए कहा है ना, OER वाला 2 घंटे का कोर्स, आप उसको करिए, आपकी काफी क्लैरिटी हो जाएगी। बेसिकली OER में कॉपीराइट या ओपन सोर्स जो होता है वो लाइसेंस है। जैसे हम कोई चीज बनाते हैं तो हम उस पे अपना ट्रेडमार्क करते हैं या उसका कॉपीराइट लगाते हैं कि ये मैंने बनाई है, तो कोई उसको फ्री में ना यूज करे। तो उसके लिए हम जब एजुकेशनल रिसोर्सेज बनाते हैं, तो एक मूवमेंट थी कि एजुकेशनल रिसोर्सेज ज्यादा बच्चों तक पहुंचे, उसके लिए जरूरी है कि वो ओपन हो, फ्रीली अवेलेबल हो। उसके लिए नए लाइसेंसेज आए थे जो कि क्रिएटिव कॉमन्स के थे। तो आप क्रिएटिव कॉमन्स की वेबसाइट पे एक बार जा करके उनके 4 या 6 राइट्स हैं, उन राइट्स को लेकर के सारे लाइसेंसेस बने हुए हैं। जैसे CC BY-SA, विच मीन्स क्रिएटिव कॉमन का लाइसेंस है, बाय मीन्स एट्रीब्यूशन मतलब कि रेफरेंस आपको देना है, SA मीन्स शेयर अलाइक मतलब अगर मैंने एक वीडियो बनाई है और CC BY-SA उसको लाइसेंस दिया है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, आप उससे कमर्शियली भी यूज कर सकते हैं, आप उसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसा सर ने बोला ऑडियो चेंज करना है, पर आपको सेम लाइसेंस लगाना होगा आफ्टर मेकिंग चेंजेस। तो इस तरह से 6 लाइसेंसेस उनके बनते हैं, उन 6 लाइसेंसेस को आप यूज कर सकते हैं अपने डिजिटल कंटेंट के लिए भी। और जब आप गूगल से ले रहे हैं, मान लीजिए कोई इमेजेस या कहीं से भी ले रहे हैं, तो बहुत सारी वेबसाइट्स जो हैं वो आपको ऑप्शन देती हैं कि आप ओपन कंटेंट ढूंढें। गूगल के ऊपर आप मोर में जाएंगे तो इट विल गिव यू वन ऑप्शन यूजेज राइट्स, वहां से आप अपना राइट लगाएं कि मेरे को ऐसा कंटेंट चाहिए जिसको मैं रीयूज कर सकूं, तो वो आपको केवल वही ऑप्शंस दिखाएगा जो आप रीयूज कर सकते हैं। इस तरह से आप ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज ढूंढ सकते हैं।
इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस फ्री में प्रोवाइड करती हैं। आप डायरेक्टली उन वेबसाइट्स पे जाकर के भी डिजिटल कंटेंट ले सकते हैं। और कुछ चीजें हैं, जैसे हम वीडियो बनाने की बात कर रहे थे कल, तो हम कहते हैं हमें म्यूजिक चाहिए, म्यूजिक कहाँ से मिलेगा? तो रॉयल्टी फ्री, मतलब जो म्यूजिक आज से 25 साल पहले बना था वो नॉर्मली 25 साल के बाद रॉयल्टी फ्री हो जाता है, वो कोई भी यूज कर सकता है। तो आप रॉयल्टी फ्री म्यूजिक ऑनलाइन ढूंढेंगे, आपको बहुत सारा मिलेगा, आप उसमें से कोई भी म्यूजिक ले सकते हैं। पर हमेशा कोशिश करें कि उसका रेफरेंस अपने वीडियो में एंड में डाल दें, थैंक्स में डाल दें, सो दैट यू आर नॉट स्टक एट एनी कॉपीराइट लेवल या किसी तरह की प्रॉब्लम में आप नहीं फंसते। ये एक बेसिक ओवरव्यू था, पर आप ओईआर वाला कोर्स करेंगी तो आपकी क्लैरिटी बहुत बढ़ जाएगी इसकी। मैम, ये OER जो कोर्स है वो कहाँ अवेलेबल होगा? आपके साथ टीम ने शेयर किया होगा लिंक, नहीं तो वो लोग शेयर कर देंगे। वो आपको शायद असाइनमेंट करना होगा, उसके अंदर आपका ये आता है, आपको मिल जाएगा वो लिंक, नहीं तो मैं टीम के साथ शेयर करूंगी, आपको मिल जाएगा। ओके। एनी अदर क्वेश्चन? मैं एक बार ढूंढ रही हूं, तब तक अगर मुझे अभी लिंक मिल जाता है तो मैं आपको अभी दे देती हूँ। मैम, कैन यू शेयर योर फोन नंबर प्लीज? मैम फोन नंबर मैं दे दूंगी। मैम आप टीम, चलो मैं आपको पर्सनल पे दे देती हूँ, आप मेरे को एक मैसेज डाल दो कि मैंने OER के कोर्स का लिंक डाल दिया है, आप यहां से, सॉरी ये तो मैंने किसी को पर्सनल पे चला गया शायद, एक मिनट, मैंने चैट पे डाल दिया है learnoer.col.org। ये 2 घंटे का केवल कोर्स है, आप इस पर रजिस्टर करें और ये कोर्स आप कर लें तो आपकी OER से रिलेटेड काफी सारी क्वेरीज खत्म हो जाएंगी। फिर भी नहीं होती है तो आलोक सर आपको हेल्प करेंगे कि मुझसे कैसे कनेक्ट करना है, तो मैं आपको बता दूंगी। थैंक यू मैम, क्योंकि जब भी वीडियो वगैरह बनाते हैं तो मैटर तो लेना ही पड़ता है ना, कुछ बनाते हैं कुछ लेना पड़ता है, तो फिर उसमें कंफ्यूजन रहता है, ले नहीं या नहीं आप ये नहीं ले, कोर्स करिए, आपकी क्लैरिटी तो मतलब। पूरी हो जाएगी, पर अच्छे से करिएगा, ऐसे ऊपर ऊपर से मत करिएगा, क्योंकि इस कोर्स को पास करने के लिए आपको 80% मार्क्स भी चाहिए, तभी सर्टिफिकेट मिलता है। हमारा एक OER का सेशन भी है कल, एंजल मैम कल एक OER का अच्छा हुआ नहीं है सेशन तभी शायद उतनी है। क्लैरिटी नहीं है सबके साथ। जी, हाँ मैम, वो एक्चुअली पोस्टपोन करना पड़ा हमें कुछ रीजंस की वजह से। तो शबनम मैम आपका कल सेशन होगा, आपको क्लैरिटी उसमें मिल जाएगी। और OER के ओके, कोर्स हम कल लिंक, मैम ने लिंक प्रोवाइड भी कर दिया है, तो एज ए असाइनमेंट भी है ये आपके लिए कि आपको OER का कोर्स कंप्लीट ओके, करके सर्टिफिकेट अपने असाइनमेंट में सबमिट भी करना है, तो केयरफुली कल इसको ये अटेंड कीजिएगा। मैम मस्त था हमारे लिए, यू कंटिन्यू प्लीज। ये बहुत बड़ा। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? अब आप लोगों के क्वेश्चंस का टाइम है, आप लोग पूछ सकते हैं जो पूछना है। OER की क्लैरिटी आपको कल पूरी मिल जाएगी, जो जो चीजें आप पूछ रहे हैं। अब हम इवैल्यूएशन पर वापस आ जाते हैं कि हमें इवैल्यूएशन में किस चीज का ध्यान रखना है, उससे रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन हो, मैं चैट भी चेक कर रही हूं, अगर आपके कोई क्वेश्चन बचे हैं तो हम उनको ले लेते हैं। मैम, असाइनमेंट में क्या देंगे? नई बात पूछ रहे हैं तो। ये तो आपको टीम बता देगी, जो CIT से टीम है वो आपको सारे असाइनमेंट्स बता देगी। पर्सनल दिए जाएंगे क्या? मैम वो एक्चुअली मैं तो नहीं बता सकती, दिस इज टीम अच्छा, विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। ओके ओके। जी मीनाक्षी मैम मैंने डाल दिया, आप देख लीजिए। मैम अभी भी दे दो, ज्यादा परेशान नहीं करेंगे आप। क्या मैम और कोई क्वेश्चन है मैम के सेशन के रिगार्डिंग तो पूछिए, बस और मैं अवेलेबल हूँ आपके आंसर्स देने के लिए, मैं आपकी क्वेरी सारी क्लियर करूंगा मैम, डोंट वरी।
सब असाइनमेंट पूछ रहे हैं आपसे, आप असाइनमेंट संभाले। जी मैम, असाइनमेंट्स भी बताएंगे, स्टेट एक्शन प्लान्स भी। हमारा पार्ट धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है, अब पार्टिसिपेंट्स के लिए है कि अब उनका पार्ट है, उनके लिए अब होमवर्क कहिए, असाइनमेंट्स कहिए, जो भी है आप लोगों को कंप्लीट करना है, मैं बताता हूँ वन बाई वन। सो थैंक यू मोनिका मैम फॉर द सेशन, वेरी ब्रीफ डिटेल्ड एंड एलोबरेटिव सेशंस, आपने एक एक कॉन्सेप्ट को इतनी क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट किया है और बताया है, सारी क्वेरीज को क्लियर की है, इवन आपके सेशन से रिलेटेड नहीं हुई थी वो भी आपने ली है, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू आलोक एंड थैंक यू एवरीवन फॉर सो मेनी क्वेश्चंस, चैट भरा हुआ है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अब मैं टीम को बोलूं कि एक पर्सन बैठ जाए प्लीज चैट पढ़ के बताता जाए, नहीं तो मैं ही सब कुछ करूंगी। इतना आप लोगों ने वो किया। मंगेश मैम हेलो, आप कैसी हैं? हेलो मैम, मैंने आपको पहचान लिया। थैंक यू।